अब ये फुल फ्लैज आपका रिविजन है दिस इज ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन तो मर्जर एंड एक्विजिशन में हमने स्टार्टिंग में सिंपल एक बात की थी दिस इज ए एस फोर्टीन इज नॉट एप्लीकेबल या आज के टाइम में इंडीएस 14 फोर्टीन है फोर्टीन ही है सेम इंडीएस 14 फोर्टीन इज नॉट एप्लीकेबल उसका कारण क्या था सिंपली वो इंड एस या एस आपके लिए किसके बारे में बात करते थे कि जब वहां पर मर्जर एक्विजिशन डील फाइनल हो गई है और उसके बाद व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्रीज हमारी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में वो बात कर रहे हैं बट हम कब के बारे में बात कर रहे हैं मर्जर से पहले की बात है ठीक है तो हम वहां पर मर्जर के लिए जाएँ नहीं जाएँ वी शुड गो फॉर मर्जर और नॉट ये मर्जर एक्विजिशन डील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है क्या स्वैप रेशियो हो सकती है क्या वहां पर आपके पास देख लीजिए मैक्सिमम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो हो सकती है क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है तो वो हम सब यहाँ पर पहले से ही करना चाहते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ पीपीटी किसका पार्ट है पीपीटी का पार्ट है जो हम मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेंगे तो उसमें जो भी कैलकुलेशंस हैं दिस इज़ ई पी एस आफ्टर मर्जर एम आफ्टर मर्जर अभी मर्जर नहीं हुआ है सिर्फ हम वहाँ पर ऑन द टेंटेटिव बेसिस ऑन द इक्विटेबल बेसिस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ई पे क्या इम्पैक्ट होगा एम पे क्या इम्पैक्ट होगा ई आफ्टर मर्जर क्या होगा एम आफ्टर मर्जर क्या होगा बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर मर्जर क्या होगा साथ में हमने डिस्कस किया वहाँ पर कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर आपके पास क्या है साथ में आपके पास देख लीजिए मैक्सिमम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो और उनमें भी डिफरेंट बेसिस ऑफ़ कैलकुलेशन ठीक है तो पहले ये चीज़ समझना यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पर आपके पास जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो सब वहाँ पर बिफोर मर्जर की बात हो रही है अभी कोई मर्जर डील फाइनल नहीं हुआ है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन पीपीटी का पार्ट है कि जब हम नेगोशिएट कर रहे होंगे तो मुझे हर तरह की कैलकुलेशंस चाहिए और पहले से वो मेरे पास पूरी कैलकुलेशंस होनी चाहिए तो ये उसका पार्ट है मर्जर एंड क्विजिशन ठीक है तो यहां पर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई इंडिया यहाँ पर कोई एप्लीकेबल नहीं है और उसका सिंपल रीजन यही है कि वो बाद में बात कर रहे हैं कि जब डील फाइनल होगी गई है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट और हम कब की बात कर रहे हैं पहले की बात कर रहे हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है दिस इज योर एस एफ एम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका कारण क्या है कि यहां पर कोई लॉ नहीं है यहां पर तो आपको क्या करना है डिफरेंट बेसिस पर कैलकुलेसन करनी है और जब हम नेगोशिएट करेंगे ना तो वो कैलकुलेशन पहले से ही हमारे पास होनी चाहिए तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको ये पूरी कैलकुलेशन किसको करके देनी है टू द मैनेजमेंट जो वहाँ पर ऑन द टेबल क्या कर रहे हैं नैगोशिएट कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हमारे लिए मर्जर एक्विजीशन एमेलगेमेशन जो भी वर्ड्स हैं टेकओवर हैं उसका टेक्निकली कोई मीनिंग नहीं है हमारे लिए बट वहाँ पर एक बार पता होना चाहिए तो उसके लिए मैंने डिस्कस किया था दिस इज ए प्लस बी इक्वल टू ए तो यह आपके पास क्या है दिस इज द केस ऑफ मर्जर एक्विजीशन में स्टेक फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट एट्टी परसेंट वी आर बाइंग द स्टेक एंड द लास्ट वन दिस इज एमेलगेमेशन ए प्लस बी इक्वल टू सी तो लीगल एग्जिस्टेंट जो आपके पास ओल्ड कंपनीज थी तो वहां पर उनकी एग्जिस्टेंस अब नहीं रहेगी ठीक है तो ये आपके पास क्या था दिस इज मर्जर एक्विजिशन एंड एमेलगमेशन ठीक है तो ये आपके पास दिस इज द इंट्रोपार्ट साथ में हमने वहां पर कवर किए थे व्हाट आर द रीजंस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन मर्जर एंड एक्विजन के क्या रीजन है और उसमें सिंपली आपके पास दिस इज टेक्निकली द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर तो यही आपके पास क्या है बेनिफिट्स ऑफ मर्जर है एंड दीज आर द रीजन फॉर द मर्जर एंड एक्विजिशन द फर्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझ पा रहे हैं यहां पर आपके पास क्या है इकोनॉमीज ऑफ स्केल है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या हो रहा है यहां पर सिंपली यहां पर हम आपका ऑपरेशंस बड़े हो जाएंगे और ऑपरेशंस बड़े होंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी कम बेसिकली आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी कम और मेजर फिक्स कॉसिस एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट मेजर फिक्स कॉसिस मैनेजीरियल कॉस्ट दूसरी तरफ आपके पास एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होगी हम वहां पर उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे उनके प्रोसेस को यूज़ कर रहे होंगे और उससे हमारी एफिशिएंसी क्या होगी इंप्रूव होगी देन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इज़ पावर ऑफ मार्केट शेयर व्हाट इज़ पावर ऑफ़ मार्केट शेयर तो कहीं ना कहीं देख लीजिए वहाँ पर जैसे ही दो कंपनी मर्ज होगी तो मार्केट शेयर बढ़ेगा और मार्केट शेयर बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन प्राइस डिटर्मिनेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग वहां पर सिनेरियो आप फॉलो कर सकते हैं अगर वहां पर आपके पास क्या है पावर ऑफ मार्केट शेयर है ठीक है साथ में वी हैव टैक्स कंसिडरेशन टैक्स बेनिफिट्स हैं। अगर हम सिख कंपनी को ले रहे हैं तो उसके लॉस अब हमारे लॉस तो हम अपने प्रॉफिट से उसको क्या कर सकते हैं सेट ऑफ टेक्निकली हमें क्या होगी दिस इज टैक्स सेविंग्स हमें क्या होंगी टैक्स सेविंग्स एंड कंबाइनिंग रिसोर्सिस डेट आर कॉम्प्लीमेंट्री तो आपके पास देख लीजिए जैसे रॉ मटेरियल के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट है उसी कंपनी को हमने क्या कर लिया टेक ओवर कर लिया तो दिस इज कंबाइनिंग रिसोर्सेज डेट आर कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको सीधा क्या होगा आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी आपके मार्जिन क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे तो दीज आर द रीजन फॉर मर्जर एंड एक्विजीशन ठीक है अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला कॉन्सेप्ट किया था दिस इज योर स्वैप रेशियो दिस इज योर शेयर एक्सचेंज रेशियो एंड दे आर डिफरेंट बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो और उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्वैप रेशियो तो वो बेसिकली हमने अपने लिए अपने कॉन्सेप्ट के लिए वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ पर बनाया है तो वहाँ पर अगर आपके पास जो भी रेशियोज जिस बेसिस पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव बेसिस है पॉजिटिव का मतलब क्या है अगर रेशियो ज़्यादा है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है और रेशियो अगर कम है तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो उस केस में उसको हम क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव रेशियो और नेगेटिव रेशियो हम किसको बोल रहे हैं कि अगर रेशियो ज़्यादा है तो हमारे लिए क्या है एडवर्स है और अगर वहाँ पर रेशियो कम है तो हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल है ठीक है तो हमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रेशियोज़ दिया और पॉजिटिव नेगेटिव देने से पर्पज़ क्या है कि वहां स्वैप रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होगी ठीक है तो सबसे पहले वी हैव पॉजिटिव रेशियोज़ तो स्वैप रेशियो इज़ बेस्ड ऑन ईपीएस बेस्ड ऑन एम पी एस बेस्ड ऑन बुक वैल्यू परशियर बेस्ड ऑन पी रेशियो तो ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना पॉजिटिव हमारे लिए और उतना ही हमें ज्यादा क्या मिलना चाहिए स्वाप मिलना चाहिए और अगर ये रेशियो कम है तो हमें स्वैप क्या मिलना चाहिए कम मिलना चाहिए तो वट विल बी योर मॉडल दिस इज मैथड ऑफ कैल्कुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव रेशियो ये किसके लिए आपके पॉजिटिव रेशियोज तो पॉजिटिव रेशियो में दिस इज बेस्ड ऑन एम पी एस तो दिस इज एम पी एस ऑफ टारगेट डिवाइड बाई एम पी एस ऑफ

शेयर तो एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर अर्निंग पर शेयर नेट एसेट वैल्यू पर शेयर पी रेशियो बुक वैल्यू पर शेयर तो इसमें दीज आर पॉजिटिव रेशियोज और पॉजिटिव रेशियो में हम क्या करने वाले हैं टारगेट डिवाइड बाय एक्वायरिंग दूसरी तरफ आपके पास क्या है नेगेटिव स्वैप रेशियो नेगेटिव का यहां पर मतलब क्या है कि अगर जो भी बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है अगर वो रेशियो ज्यादा है तो हमारे लिए क्या है नेगेटिव है और अगर रेशियो कम है तो हमारे लिए क्या है

ठीक है तो दिस इज एक्वायरिंग डिवाइड बाई टारगेट एनपीए ऑफ एक्वायरिंग डिवाइड अब यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने कवर किए थे एंड द फर्स्ट वन इज दिस इज टोटल नंबर ऑफ शेयर मर्जर तो यहां पर ये यह कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले आपको जरूर रिवाइज करने हैं उसके बाद इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस करें ठीक है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर

पी रेशियो तो यहां पर ईपीएस अब किसका होगा आफ्टर मर्जर और पी रेशियो कौन सी होगी आफ्टर मर्जर ठीक है तो देख लीजिए पी रेशियो आफ्टर मर्जर इज गिवन याद रखना ये पी रेशियो कौन सी है आफ्टर मर्जर बिफोर मर्जर से मुझे कोई मतलब नहीं है अगर पी रेशियो आफ्टर मर्जर गिवन है भले उन्होंने ये लिखा हो बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर विल रिमेन सेम तो उसका मतलब क्या है आफ्टर मर्जर की है हमारे पास पी रेशियो और उस केस में क्या होगा

अब टारगेट कंपनी के शोल्डर्स देखना चाहेंगे ना कि आफ्टर मर्जा देख लीजिए हमें वहां पर अगर हमने कोई ईपीएस वहां पर छोड़ा है फॉरगोन किया तो उसके बदले में हमें कितना ईपीएस मिल रहा है और उसको क्या बोलते हैं इक्वलेंट ईपीएस हम अपना मार्केट प्राइस छोड़ रहे हैं उसके बदले में हमें टारगेट एक्वायरिंग कंपनी में कितना मार्केट प्राइस पर शेयर मिल रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं दिस इज इक्वलेंट एमपीएस तो वो ध्यान रखना यहां पर व्हाट इज द ऑफ ईपीएस एंड एमपीएस कि हमें वहां पर अपना देख लीजिए शेयर प्राइस छोड़ना पड़ रहा है अपने ईपीएस छोड़ना पड़ रहा है उसके अगेंस्ट हमें कितना नई कंपनी में जो आपके पास नई कंपनी है आफ्टर मर्जर जो कंपनी उसमें आपको कितना शेयर मिल रहा है ठीक है तो व्हाट इज योर इक्वलेंट ईपीएस और द इक्वलेंट एमपीएस सिंपली जो नई ईपीएस है उसमें आपका कितना शेयर है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू योर स्वाप रेशियो so तो दिस इज ईपीएस आफ्टर मर्जर इनटू एक्सचेंज रेशियो एंड व्हाट इज एमपीएस एमपीएस दिस इज आफ्टर मर्जर इनटू एक्सचेंज रेशियो ठीक है तो सिंपल पॉइंट था पहले मेरा ईपीएस पांच रुपए था उसको छोड़ के मुझे अब नई कंपनी में कितना ईपीएस मिल रहा है वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा दिस इज अकॉर्डिंग टू योर स्वैप रेशियो क्योंकि वहां आपके पास एक शेयर था और यहां पर किसके अकॉर्डिंग होगा दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्वैप रेशियो तो अगर पहले आपकी ईपीएस पांच रुपए थी और नई कंपनी में ईपीएस आफ्टर आई क्या आपको टेन मिलेंगे पूरे नहीं मिलेंगे कितना मिलेगा दिस इज अकॉर्डिंग टू योर स्वैप रेशियो अगर स्वैप रेशियो इज तो आपको रेशियोजना पॉइंट फाइव अगर स्वैप रेशियो पॉइंट सिक्स है तो कितना मिलेगा पॉइंट सिक्स ठीक है और उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे आपको कितना गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है तो बिफोर और आफ्टर में क्या करेंगे कंपेरिजन और उससे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा गेन एंड लॉस ठीक है ट वैल्यू ऑफ दर्ज फ्रमल्यू ए प्लस मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर तो हाउ टू कैल्कुलेट मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर अब नंबर ऑफ शेयर कौन से होंगे ए प्लस भी और मार्केट प्राइस पर शेयर कौन सा होगा ए प्लस भी दिस इज नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर देख लीजिए सेकेंड ऑल्टरनेटिव यहां पर क्या है कि अगर आपको वहां पर मार्केट वैल्यू निकालनी है तो हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ ए मार्केट वैल्यू ऑफ प्लस सिनर्जिंग एंड बट याद रखना अगर पी रेशियो की एडजस्टमेंट है तो सिर्फ कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज होगा ऑल्टरनेटिव वन ये स्टार पॉइंट था इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखवाया था आपको फर्स्ट प्रेफरेंस बिकॉज अगर पी रेशियो के एडजस्टमेंट है तो फिर ये यूज हो सकता है फिर ये वाला यूज नहीं होगा Now the next concept we have a concept of maximum exchange ratio and the minimum exchange ratio. Maximum exchange ratio का concept किसके लिए था? This is for acquiring company. Acquiring company के shoulder क्या चाहते हैं? कम से कम देना। तो हम उनके लिए क्या calculate कर लेंगे? What will be his maximum limit? उनकी maximum limit क्या है? Technically वो उनका क्या है? Break even point. ठीक है तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो और द मिनिमम एक्सचेंज रेशियो द मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार टेस्ट होता है तो उसको हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्वायरिंग कंपनी एंड द मिनिमम एक्सचेंज रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर टारगेट कंपनी टारगेट कंपनी के शोल्डर क्या चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लेना तो हम उनके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे उनकी मिनिमम लिमिट्स क्या है ठीक है एंड अगेन द टेक्निकली दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द एक्वायरिंग कंपनी शोल्डर्स एंड फॉर द टारगेट कंपनी शोल्डर्स ठीक है अब यहां पर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है तो वी हैव ए बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कैलकुलेशन एंड एंड द बेसिस ऑफ इज ईपीएस एमपीएस एमपीएस और MPS में आपके पास दूसरी एडजस्टमेंट क्या है एक एडजस्टमेंट पी रेशियो की है और दूसरे में पी रेशियो एडजस्टमेंट नहीं है तो इफ पी रेशियो आफ्टर मर्जर इज गिवन इफ पी रेशियो आफ्टर मर्जर इज नॉट गिवन पी रेशियो आफ्टर मर्जर अगर गिवन है तो उसके हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस पी एस इंटू पी रेशियो और अगर वहां पर पी रेशियो -E की एडजस्टमेंट नहीं है तो हाउ डू कैल्कुलेट एमपीएस मार्केट वैल्यू अप्रोच बस वो ध्यान रखना मार्केट वैल्यू अप्रोच तो सबसे पहले दिस इज दी एस ऑन दी एस सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिम एक्सचेंज रेशलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्वायरिंग कंपनी एंड दिस इज टेक्निकली ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द एक्वायरिंग कंपनी शोल्डर ठीक है तो वहां पर बेसिस क्या है ईपीएस है और एक्वायरिंग कंपनी के शोल्डर क्या सोच रहे होंगे हमारा ब्रेक इवन क्या होगा पहले जितना ईपीएस था आफ्टर मर्जर भी कितना हो जाए? कम से कम उतना ही हो जाए दिस ईपीएस बिफोर मर्जर हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस ए कौन सा होगा बिफोर मर्जर याद रखना कौन सा होगा बिफोर मर्जर एंड दिस इज ईपीएस आफ्टर मर्जर एंड हाउ टू ईपीएस आफ्टर मर्जर अर्निंग ऑफ ए

ब्रेक इन पॉइंट फॉर द टारगेट कंपनी शोल्डर एंड बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज ईपीएस तो उसके शोल्डर क्या सोच रहे होंगे टारगेट कंपनी के शोल्डर क्या सोच रहे होंगे पहले जितना मेरा ईपीएस था बाद में भी नई कंपनी में उसके इक्वलेंट क्या मिल जाए ईपीएस मिल जाए दिस इज ईपीएस बिफोर मर्जर इजल टू इक्वलेंट ईपीएस आफ्टर मर्जर दिस इज ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड इज्क्टल टू ईपीएस ए प्लस बी इन टूर एंड अगेन वी हैोल्व फॉर

पहले जितना एमपीएस था बाद में भी कम से कम कितना रहे उतना ही रहे तो दिस इज एमपीएस मर्जर अब देखना पड़ेगा या तो पी रेशियो की एडजस्टमेंट है या नहीं है अगर पी रेशियो की एडजस्टमेंट है तो हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस P पी रेशियो अगेन ईपीएस कैसे निकालोगे अर्निंग ऑफ ए अर्निंग ऑफ बी प्लस गेन डिवाइडर ऑफ बी इंटूआर रेशियो एंड सॉल्व फॉर तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा ना तो पिछले एग्जाम में उनका शॉर्टकट निकल गया सर बार ठीक है तो मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूं बहुत सारे लोग क्या करा रहे हैं इसमें शॉर्टकट करा रहे हैं और जो शॉर्टकट -कर करा रहा था ना तो पूरा सर बारह या पंद्रह बारह नंबर का क्वेश्चन था वो निकल गया सर ठीक है तो जिन लोगों ने वहां पर नवंबर 18 में एग्जाम दिया उनको पता है कि ये 12 नंबर का क्वेश्चन आया था और वो चला गया उनका क्योंकि जिन्होंने शॉर्टकट पढ़ा था सिर्फ और शॉर्टकट पढ़ा था तो वो चलना ही नहीं था वहां पर ठीक है तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ काफी लोग यहाँ शॉर्टकट करते हैं और कि भाई ये तो शॉर्टकट तरीके से आ रहा है सब आंसर मैच हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है और इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा चेंज किया सब शॉर्टकट निकल गए सर ठीक है तो इसलिए ध्यान रखना मैं इस पर स्पेशली से बोल रहा हूँ लोग शॉर्टकट करके जाते हैं और शॉर्टकट फिर एग्जाम में हो सकता है चले ना चले आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट लेके जाना है और कॉन्सेप्ट लेके गए तो एक क्वेश्चन कभी फंसेगा ही नहीं ठीक है कंफर्म है तो ध्यान रखना देख लीजिए दिस इज एम पी एस बिफोर टू एमपीएस आफ्टर मर्जर और एमपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे ईपीएस इन पी रेशियो तो ये आपके बाद देख लीजिए दिस इज फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एंड दिस इज फॉर एक्वायरिंग कंपनी शोल्डर्स ऑन द सेम ग्राउंड मिनिमम एक्सचेंज रेशियो और वहां पर किसके लिए कैलकुलेट हो रही है दिस इज फॉर टारगेट कंपनी शोल्डर्स और टारगेट कंपनी के शोल्डर्स क्या सोच रहे होंगे पहले जितना एमपीएस था बाद में भी उसके इक्वलेंट क्या मिल जाए सेम एमपीएस मिल जाए दिस इज एमपीएस मर्जर मर्जर एंड इज एमपीएस के लिए क्या एडजस्टमेंट है अगर P ratio के है तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस ईपीएस इन टू पी रेशियो इन टू आर एंड सॉल्व फॉर ई आर अर्निंग ऑफ एफ बी प्लस इनके नंबर ऑफ बी इंटूआर इंटू पी रेशियो इंटू ठीक ER, है तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा देख लीजिए दिस इज योर मिनिमम एक्सचेंज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज एमपीएस ठीक है अगर वहां पर सेम वहां पर सेम पॉइंट है अगर पी रेशियो के एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस मार्केट वैल्यू अप्रोच मार्केट वैल्यू ऑफ ए मार्केट वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी ईआर खत्म सर तो देख लो अगर पी रेशियो के एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस मार्केट वैल्यू अप्रोच इसको क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू अप्रोच दूसरी तरफ आपके पास सेम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो और अगर वहां पर पी रेशियो के एडजस्टमेंट नहीं है तो एमपीएस इन टूआर है और एमपीएस कैसे कैलकुलेट होगा मार्केट वैल्यू अप्रोच आपको कुछ भी याद नहीं करना सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेके जाना है ठीक है नाउ द नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है एंड दिस इज गेन एंड लॉस तो गेन एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले जो आपको माइंड में रखना है वो क्या है गेन एंड लॉस हमेशा कैसे कैलकुलेट होगा सेपरेटली ठीक है सेपरेटली फॉर द एक्वायरिंग कंपनी शोल्डर्स एंड सेपरेटली फॉर द टारगेट कंपनी शोल्डर्स कंबाइंड कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है ठीक है और जैसे मैंने कराया उसी को फॉलो करना डो नॉट फॉलो द आई सी सोल्यूशन क्योंकि वो हर क्वेश्चन में चेंज हो रहा है समझ पा रहे हैं उनका सोल्यूशन हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है यू शुड फॉलो द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो हमने फॉलो किया है ठीक है तो इसलिए मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के सोलूशन देखोगे और मुझे मैं गारंटी ले सकता हूँ कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है उनके सोल्यूशन के हिसाब से तो उसका कारण है कि वो कॉपी पेस्ट है और इसकी वजह से आपको वहाँ प्रॉब्लम है ठीक है मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ ये बात तो आप ध्यान रखना यहां पर गेन एंड लॉस समझ पा रहे हैं गेन एंड लॉस गेन एंड लॉस का क्या मतलब है अब एक्वायरिंग कंपनी और टारगेट कंपनी के शोल्डर सोच रहे हैं कि देखो तो वहां पर गेन कितना है लॉस कितना है अगर हम वहां पर मर्जर कर रहे हैं तो कितना गेन और लॉस है ठीक है अगेन गेन एंड लॉस में क्या आएगा बेसिस ऑफ कैलकुलेशन तो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कैन बी ईपीएस कैन बी एमपीएस और कैन बी मार्केट वैल्यू बट ध्यान क्या रखना है वहाँ पर सेपरेटली कैलकुलेट कैलकुलेट होगा, याद रखना, लिमिटेड लिमिटेड के 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 लिए अलग, और B के लिए अलग अलग, और गेन एंड सर कंपेरिजन तो दोनों में वहां पर कंपैरिजन करना है तो एक्वायरिंग कंपनी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है बिफोर मर्जर आफ्टर मर्जर ईपीएस एमपीएस और द मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे और बी लिमिटेड के लिए क्या यूज होगा इक्विवेलेंट क्या यूज होगा इक्वल एंड डीपीएस इक्वल एंड एमपीएस और मार्केट वैल्यू जब निकालेंगे तो सिर्फ क्या, कौन सा निकालेंगे बाद में उसका कितना शेयर है नई मार्केट वैल्यू में उसका कितना शेयर है तो दिस इज मार्केट वैल्यू ए प्लस बी में उसका कितना शेयर है कैसे निकालोगे एक्सचेंज रेश ठीक है तो एक्सचेंज रेशियो नहीं निकालेंगे मैं बेटर है कि आप था किस फॉलो करो परसेंटेज होल्डिंग किसको फॉलो करो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ठीक है तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरह की इंफॉर्मेशन है बट उसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है ठीक है तो एक्सचेंज रेशियो में भी निकाल सकते हैं ऐसा नहीं है तो वो देखना पड़ेगा हमें कैलकुलेशन में कि वहां पर एक्वायरिंग कंपनी का उसमें कितना शेयर है और बी लिमिटेड के शोल्डर्स का कितना शेयर है अब वो एक्सचेंज रेशियो से भी निकाल सकते हैं वो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग से भी निकाल सकते हैं वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में ठीक है तो ये आपके पास क्या है बिफोर और आफ्टर में क्या करना है सर Comparison करना है है ठीक नाउ द द द नेक्स्ट वन इज हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज परसेंटेज ऑफ ऑफ होल्डिंग इन न्यू कंपनी तो एक्वायरिंग कंपनी के शोल्डर्स क्या देखना चाहते हैं हमारी अब कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है इन द न्यू एंटिटी और टारगेट कंपनी के शोल्डर्स भी देखना चाहते हैं कि अब वहां पर नई कंपनी में हमारी कितनी परसेंटेज ऑफ

नाउ द नेक्स्ट वन दिस इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटाइजेशन हमें वो शेयर्स की वैल्यू चाहिए जो मार्केट में क्या है फ्रीली अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग तो कौन से शेयर आपके पास फ्री ट्रेडेबल नहीं है इज प्रोमोटर्स होल्डिंग मैनेजमेंट होल्डिंग गवर्नमेंट होल्डिंग स्ट्रेटेजिक होल्डिंग्स तो टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर क्या माइनस कर देंगे ये सब होल्डिंग्स माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएंगे फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे एमपीएस से तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन तो एमपीएस निकालने के दो मेथड है पहला टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर और दूसरा आपके पास क्या है फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर खत्म ये रहा सर ठीक है कोई फॉर्मूला नहीं है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट से जाना है नाउ द नेक्स्ट फेज नेक्स्ट फेज में क्या था कैश टेक ओवर और कैश टेक ओवर में आपके पास देख लीजिए दिस इज शेयर टू कैश बेसिस और मैंने उसका रीजन भी बताया था क्यों शेयर टू कैश है क्योंकि मुझे लग रहा है कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है तो मैं उनको कुछ भी शेयर देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैं कह रहा हूं आप कैश लो और जाओ यहां से ठीक है तो अब मैं वहां पर आपका कोई शेयरिंग नहीं लेने वाला क्योंकि मुझे पता है द कंपनी इज वेरी हाई ग्रोथ कंपनी दिस इज एफ एमसीजी सेक्टर की कंपनी है तो वहां लग रहा है दिस इज वेरी हाई ग्रोथ कंपनी हम क्यों उनके साथ प्रॉफिट शेयर करें ठीक है तो उनको हम वहां पर कैश पे कर रहे हैं कुछ प्रीमियम क्या कर देंगे पे कर देंगे और उसके बाद देख लीजिए पूरी कंपनी किसकी है हमारी है ठीक है कब शेयर टू शेयर दे रहे हैं जब वहां पर ड्यू डिजेंस करने के बाद पता चल रहा है कि जो वो कह रहे हैं ना सिनर्जिक बेनिफिट उतना सिनर्जिक बेनिफिट दिख नहीं रहा है प्रैक्टिकली तो हम कह रहे हैं ठीक है आप हमारे साथ क्या बनो पार्टनर बनो तो हम उनको क्या दे रहे हैं स्वाप दे रहे हैं बने हम उनको क्या दे रहे हैं स्वाप रेशियो दे रहे हैं बट अगर मुझे लग रहा है कि कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है वहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर आपको क्या होने मिलने वाली है हाई ग्रोथ मिलने वाली है तो उस केस में हम उनको क्या देंगे कैश ठीक है तो वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कब शेयर टू शेयर बेसिस है और कब शेयर टू कैश बेसिस है तो देखिए सर सबसे पहले कैश टेक ओवर और कैश टेक ओवर में क्या हो रहा है देख लीजिए वहां पर हम दो कैलकुलेशन फिर वहां सीखेंगे ईपीएस आफ्टर मर्जर एंड एमपीएस आफ्टर मर्जर तो ध्यान से देखना सर ईपीएस आफ्टर मर्जर ईपीएस आफ्टर मर्जर में दो केस हैं इफ द कैश इज पेड फ्रॉम बॉर्डर कैपिटल एंड इफ कैश इज पेड फ्रॉम बिजनेस इट ठीक है तो जो हम कैश पे कर रहे हैं बोरो करके पे कर रहे हैं और दूसरा है कि कैश पे कहां से कर रहे हैं हमारे बिजनेस में तो, तो बस सिंपल एक कॉन्सेट आपको ध्यान रखना है कि जब हम अर्निंग्स निकालेंगे अर्निंग्स आफ्टर मर्जर निकालेंगे तो जो ये हम कैश पे कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे कैश पेड माइनस नहीं होगा क्या माइनस होगा उसकी कॉस्ट माइनस होगी और कोई हम शेयर इशू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे एक्वाइरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर टेन लैक्स थे तो आफ्टर मर्जर भी टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने रहेंगे टेन लैक्स क्योंकि नहीं कोई इक्विटी इशू नहीं हो रही है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड तो देखिए सर ईपीएस आफ्टर मर्जर इन केस ऑफ कैश कैश एंड द इज पेड फ्रॉम बोरोड बोरोड कैपिटल ठीक है तो मनी से, तो तो से बोरो किया होगा एंड बोरो करने में कॉस्ट क्या है इंटरेस्ट कॉस्ट एंड इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल तो क्या कर देंगे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कहां से माइनस कर देंगे टोटल अर्डिंग में से तो दिस इज अर्डिंग ऑफ ए अर्डिंग ऑफ बी प्लस गेन और उसमें से क्या माइनस कर देंगे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स और डिनोमीटर में सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स किसके आएंगे ए के आएंगे क्योंकि यहां पर हम कोई इक्विटी इश्यू नहीं कर रहे हैं ठीक है दूसरी तरफ आपके पास अगर हमने अपने बिजनेस से दे दिया तो जो हम कैश पे कर रहे हैं उसकी क्या ले लेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलरेडी क्या होती है आफ्टर टैक्स होती है तो उसको दोबारा आफ्टर टैक्स नहीं करेंगे तो दिस इज अर्निंग ऑफ वे अर्डिंग ऑफ वी प्लस इनर्जी गेंद माइनस कैश पेड इंटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नंबर ऑफ शेयर सिर्फ किसके आएंगे एक आएंगे तो दिसर इन केस ऑफ कैश टेक ओवर हो सकती है ईपीएस कैसे निकालेंगे जो अभी हमने सीखा है इफ कैश इज पेड फ्रॉम बॉर्डर कैपिटल एंड इफ कैश इज पेड फ्रॉम बिजनेस इट सेल्फ अब नेक्स्ट आपके पास देख लीजिए रेशियो आफ्टर मर्जर इज नॉट गिवन अगर वो गिवन नहीं है तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस मार्केट वैल्यू अप्रोच तो मार्केट वैल्यू ऑफ ए मार्केट वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन अब वहां पर देख लो जो हमने कैश पे किया वो सीधा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो दिस इज द स्टार पॉइंट तो वो कैश पेड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर सिर्फ कितने आएंगे नंबर ऑफ ए क्योंकि कोई इक्विटी इश्यू नहीं हो रही है तो दिस इज योर एमपीएस आफ्टर मर्जर इफ देख लीजिए पी रेशियो एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन एंड दिस इज अ केस ऑफ कैश टेक ओवर ठीक है तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था दिस इज रिलेटेड टू कैश टेक ओवर फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था परचेज प्राइस प्रीमियम व्हाट इज वर्चेस प्राइस प्रीमियम कि हम उसको कितना प्रीमियम क्या कर रहे हैं ऑफर कर रहे हैं अगर आज एमपीएस ऑफ टारगेट इज हंड्रेड और हम उसको कितना ऑफर कर रहे हैं वन ट्वेंटी तो व्हाट इज प्रीमियम अमाउंट

तो कैलकुलेट होगा ना वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा हम करते हैं ना एक्वायरिंग स्वैप रेशियो निकालते हुए और जब हम टारगेट एमपीएस ऑफ टारगेट लेंगे वो कितना लेंगे ऑफर प्राइस वो कितना है वन है ठीक है तो वो ध्यान रखना यहां पर कि वहां पर क्या यूज करेंगे ऑफर प्राइस इंस्टेड ऑफ एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी क्योंकि अब हमने उसको ऑफर दे दिया 120 तो स्वैप किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी 120 के अकॉर्डिंग ठीक है तो ये आपके पास क्या था दिस इज योर परचेज प्राइस प्रीमियम नाउ द नेक्स्ट वन दिस इज ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो दिस इज योर अकाउंटिंग पार्ट की वहां पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं परचेस करने का कंसिडरेशन दिस इज परचेस कंसिडरेशन और या हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो सिंपली है ध्यान से वहां पर जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था सर अब देखो ये बैलेंस शीट हमारी है एसेट्स तो हमने ले ली अब लाइब्रेडिज को क्या करेंगे पे ऑफ और जो भी हम लाइब्रेडिज को पे ऑफ करेंगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है तो अब उसको देख लीजिए उनके इक्विटी शोल्डर्स को हम अपनी इक्विटी क्या करेंगे इश्यू करेंगे देख लो दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड टू बी अब उनके डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स को हम अपने प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर क्या करेंगे इश्यू करेंगे तो डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यूड लिमिटेड टू बी लिमिटेड अब उनकी लाइविटीज को हम क्या करेंगे पे ऑफ करेंगे करंट लाइविटीज पेड और टेकन ओवर अब साथ में वहां पर मर्जर एक्विशन रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होंगे तो एनी अदर एक्सपेंसिस रिलेटेड टू मर्जर एंड क्विजिशन लीगल चार्जेस जो भी वहां पर एक्विजिशन चार्जेस हैं वो क्या करेंगे पे करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया देख लीजिए दिस इज योर परचेस परचेसिडरेशन अब यहां पर दो चीजें स्पेशल थी पहली चीज स्पेशल क्या थी किसी को मुझे वहां पर देख लीजिए करोड़ देना है और साथ में देख लीजिए उनकी बैलेंस शीट में कितना है हंड्रेड करोड़ का क्या है कैश है तो वन थाउजेंड देना है हंड्रेड लेना है तो हम उसको नेट ऑफ करेंगे तो यहां से क्या लेस करेंगे कैश एंड बैंक समझ पाने क्या लेस करेंगे कैश एंड बैंक और द कैश इन ठीक है साथ में अब ये एसेट मेरी है ना सर अब इस एसेट में से कुछ एसेट मेरे यूज की नहीं है मैंने उसको क्या करा आउटराइट आउटराइट सेल की. सेल किया मतलब वहां पर जैसे मिली हमने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया हमारे बिजनेस के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं थी तो क्या होगा सर मेरी कॉस्ट में से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो इसमें से क्या लेस करेंगे सेल ऑफ एनी अदर एसेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा परचेस कंसिडरेशन और द कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन अब ध्यान से देखना दो चीजें इंपॉर्टेंट है करंट लाइवीज पेड और टेकन ओवर आएगा ही आएगा कोई एडजस्टमेंट हो या ना हो अगर डिवेंचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर डिवेंचर का पार्ट नहीं बनेगा याद रखना बट अगर करंट लाइवी पेड और टेकन ओवर लिखा है नहीं लिखा है वो पे ऑफ हो गई होगा दूसरा कैश एंड बैंक के बारे में कुछ लिखा है नहीं लिखा है आपको वो लेस करना ही करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन लास्ट पॉइंट क्या था कि सेल ऑफ एनी अदर एसेट्स कि एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है तभी वो माइनस होगा अदरवाइज वो माइनस नहीं होगा ठीक है तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब यहां पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट था क्वेश्चन में वी हैव टू डिवाइड द एमपीएस ईपीएस एंड पी कंपोनेंट एंड फर्दर वी हैव टू डिवाइड ईपीएस इन बुक वैल्यू पर शेयर एंड आर तो ये पॉइंट हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी किया था और सेम पॉइंट यहां पर कहां पर है मर्जर एंड

इससे पॉइंट था सर समझ पा रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम एमपीएस ठीक है तो मैक्सिमम मिनिमम एमपीएस का क्या कॉन्सेप्ट था कि वहां पर देख लीजिए एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को कितना मैक्सिमम या मिनिमम एमपीएस क्या करेगी ऑफर करेगी तो दिस इज द ऑफर प्राइस पेड बाय द देख लीजिए दिस इज द ऑफर प्राइस पेड बाय ए टू बी ठीक है तो वहां पर हम कितना मिनिमम ऑफर कर सकते हैं या कितना मैक्सिमम क्या कर सकते हैं ऑफर कर सकते हैं तो वो कॉन्सेप्ट लेके जाना पड़ेगा तो हम उसको मिनिमम कितना ऑफर कर सकते हैं जितना उसकी वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ टारगेट कंपनी उससे कम करोगे तो वो कहेगा नहीं चाहिए भाई ठीक है तो बहुत क्लियर है ना अगर उसका मार्केट प्राइस पर शेयर हंड्रेड रुपीज है टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस हंड्रेड रुपीज है तो आपको कम से कम कितना ऑफर करना पड़ेगा हंड्रेड रुपीज आप अगर नाइन्टी ऑफर करोगे तो वो कहेगा भाई हंड्रेड तो ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में ठीक है कितना मैक्सिमम ऑफर कर सकते हो आप कहोगे जो आपकी वैल्यू वो ले लो साथ में डील में जो सीनेजिक बेनिफिट अराइज हो रहा है वो भी आप ले लो और दोनों को ले लेंगे तो क्या जाएगा आपके पास दिस इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफर्ड बा टू द टारगेट कंपनी ठीक है तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है बट आपको ध्यान रखना है कि वहां पर एक तो हम उसका प्राइस ऑफर करेंगे साथ में जितना भी सिनर्जिक बेनिफिट अराइज होगा वो भी हम उसको क्या करेंगे पे ऑफ क्या अपनी वैल्यू में से कुछ देंगे नहीं सर अपनी वैल्यू में से हम कुछ देने वाले नहीं है तो वट इज द मैक्सिमम एमपीएस दैट कैन बी ऑफर्ड बाई ए टू बी दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी और पर शेयर निकालना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो देख लीजिए दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड दिस इज द मिनिमम वैल्यू इतना ऑफर करना ही पड़ेगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड दिस इज पर शेयर और मैक्सिमम कितना ऑफर कर सकते हैं जितना उसका इक्विटी का वैल्यू है प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी सिनर्जी हम कहेंगे भाई आप भी रख लो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट वी आर वी शुड पे टू द टारगेट कंपनी हम कितना दे सकते हैं बस यही है सर इससे ज्यादा हम देने वाले नहीं है अपनी वैल्यू में से हम कुछ भी पे ऑफ नहीं करेंगे तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा मिनिमम एन मैक्सिमम ये कोई फॉर्मूला नहीं है ये सिर्फ मैंने लिखने के लिए लिखा हुआ है कहीं पर यह फॉर्मूला नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट है ठीक है तो ये मैंने बना दिए हैं जिससे आप थोड़ा सा माइंड में रख सकें अदरवाइज कोई वहां पर फॉर्मूला नहीं है ना आपको फॉर्मूला याद करना है सिंपल सोचना है हम उसको मिनिमम कितना ऑफर करेंगे जितनी उसकी वैल्यू है मैक्सिमम कितना ऑफर करेंगे जितनी उसकी वैल्यू है प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी खत्म उ द नेक्स्ट वन दिस इज इफ्टर वर्जर वेन इज गिवन इन क्वेश्चन तो अब सिनर्जिक गेन दो तरह से गिवन हो सकता है या तो एबसल्यूट अमाउंट में हो सकता है या परसेंटेज मेंसेंट तो दोनों का अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ बी का कितना एड कर देंगे फाइव परसेंट ठीक है तो दिस इज योर देख लीजिए दिस इज वन प्लस इनर्जिक गेन एंड दिस इज प्लस सिनर्जी गेन तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ वी और देख लीजिए इन दोनों का कितना ले लेंगे देख लीजिए जो भी 5 क्या कर देंगे? कर देंगे देंगे ऐड दूसरी तरफ अगर इफ सीनर्जिक गेन इज गिवन इन परसेंटेज और इन अमाउंट अब सेकंड पॉइंट यहां पर इसी के साथ लिंक था मार्केट वैल्यू तो सिनर्जी गेन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग क्या होगी कि वहां पर देख लीजिए पहले वहां पर आपके पास अर्निंग ऑफ ए था टेन लैक्स अर्निंग ऑफ बी था फाइव लैख और अर्निंग ए प्लस बी प्लस पता कितना हो गया दिस इज ट्वेंटी लैक्स तो वट इज योर सिनर्जी गेन दिस इज फाइव लैक्स एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स वट इज सिनर्जी गेन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू पहले मार्केट वैल्यू ऑफ ए था फिफ्टी लैक्स मार्केट वैल्यू ऑफ बी था आपके पास ट्वेंटी लैक्स एंड मार्केट वैल्यू ए प्लस बी पता कितना हो गया हंड्रेड लैक्स तो वट इज योर सिनर्जिक गेन थर्टी लैक्स ठीक है तो दिस इज वेरी सिंपल मार्केट वैल्यू ऑफ ए मार्केट वैल्यू ऑफ बी देख लीजिए फिफ्टी लैक्स प्लस ट्वेंटी लैक्स सेवेंटी लैक्स और ये कितना है हंड्रेड लैक्स तो वट इज योर सिनर्जिक गेन दिस इज थर्टी लैक्स तो कोई फॉर्मुला नहीं है सिंपल आपको सोचना है तो हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग ए प्लस बी माइनस अर्निंग ऑफ ए अर्निंग ऑफ बी याद नहीं करना सिर्फ कॉन्सेप्ट है मार्केट वैल्यू ए प्लस बी माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ बी तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा सिनर्जी सिनर्जी गेन गेन इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ एंड मार्केट वैल्यू लिखा तो हमेशा क्या मानेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू दिस इज द मार्केट इंटरप्रिटेशन मैं कह रहा हूं सिनर्जी गेन इज फाइव लैक तो वो अर्निंग्स के टर्म्स में नहीं है हमेशा किस टर्म्स में है मार्केट वैल्यू में है जब तक वो स्पेशली ना बोले दिस इज सिनर्जी गेन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स याद रखना क्योंकि सिनर्जी गेन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस टर्म्स में है मार्केट वैल्यू टर्म्स में ही है कि हमें कितना वैल्यू में क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है एंड दिस इज योर सिनर्जिक गेन अब इसके साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अटैच है और इस बार फिर क्वेश्चन था एग्जाम में सर ठीक है तो न्यू कोर्स में आपके पास क्वेश्चन आया दिस इज फ्रॉम कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर दिस इज इन मे टू ठीक है तो वहां पर मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ भी आ सकता है आप पूरा चैप्टर करके गए लास्ट का पॉइंट छोड़ दिया आपने और लास्ट का पॉइंट छोड़ दिया तो एग्जाम में वही आ गया सर ठीक है और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी आप छोड़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको सेटबैक होगा ही होगा एग्जाम में ठीक है तो आपको वो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही पूरा ना मिले थोड़ा बहुत मिले और जब ये आपकी बार कॉन्सेप्ट आए ना सर तो वहां पर आपके बाद देख लीजिए उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा लैंग्वेज में पूछा आपको खुद जज करना था कि वहां पर क्या कैलकुलेट करना था कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर ठीक है तो वो हमें निकालना था क् वहां पर तो देख लीजिए कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर और दोनों केस पूछे उन्होंने वे द इज फाइनेंस बाय कैश एंड द वेन द इज फाइनेंस बाय स्टॉक ठीक है तो देखिए सर सबसे पहले वे द द इज फाइनेंस बाय कैश कि वहां पर आप क्या कर रहे हैं कैश पे कर रहे हैं क्वारिंग कंपनी क्या पे कर रहा है कैश तो व्हाट इज द कॉस्ट टू द ए लिमिटेड तो याद रखना दिस इज ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हम जो ये करने वाले हैं वो क्या है ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस व्हाट इज ट्रू कॉस्ट कि इन रियल सेंस मुझे सही में कितनी कॉस्ट लगी तो दिस इज टेक्निकली गिवन टेक एनालिसिस ठीक है तो मैंने ये दिया और बदले में भी तो मिला ऐसा थोड़ी है कि खाली हमने सिर्फ पे किया है बाद बदले में उसके अगेंस्ट भी तो मुझे क्या मिला है देख लीजिए वहां पर वैल्यू मिली है तो व्हाट इज द कॉस्ट टू ए लिमिटेड दिस इज मर्जर इज फाइनेंस बाय कैश तो उस केस में हम कैश पे कर रहे हैं तो दिस इज कैश पेड टू बी और बदले में क्या मिल रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ बी रिसीव तो देख लीजिए दिस इज द रियल कॉस्ट दिस इज द ट्रू कॉस्ट टू ए लिमिटेड वट इज द बेनिफिट टू ऑफ मर्जर एंड दिस इज ऑलवेज सिनर्जी गेन एंड द सिनर्जी गेन इन टर्म्स ऑफ

होल्डिंग बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है सब कुछ क्या है सेम है ठीक है तो देख लीजिए जो इसके लिए कॉस्ट है वही टारगेट कंपनी का क्या है बेनिफिट है वही क्या है नेट बेनिफिट है वो कैश पे कर रहा है और वो कैश रिसीव कर रहा है दिस इज कैश रिसीव्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ बी सेक्रीफाइस ठीक है तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया दिस इज ट्रू कॉस्ट एंड ट्रू बेनिफिट ऑफ मर्जर टू द एक्वायरिंग कंपनी शोल्डर्स एंड फॉर द टारगेट कंपनी शोल्डर्स तो यहां पर सिर्फ चेंज क्या आएगा अगर वहां कैश की जगह क्या है स्टॉक है ठीक है तो मार्केट वैल्यू ए प्लस बी नई मार्केट वैल्यू ए प्लस बी भी आप क्या दे रहे हो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग और सब कुछ सेम है देख लीजिए बदले में क्या मिल रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ बी रिसीव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिट दिस इज ऑलवेज इनर्जिक गेन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू एंड व्हाट इज नेट बेनिफिट दिस इज बेनिफिट माइनस कॉस्ट और जो इसकी कॉस्ट है वो इसका क्या है बेनिफिट है ठीक है कुछ भी याद नहीं करना सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है ठीक है अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट था डी मर्जर डी मर्जर का पॉइंट था डी मर्जर में आपके पास क्या था देख ली अभी तक हम मर्जर की बात कर रहे थे अब डी मर्जर की बात कर। डी मर्जर क्यों कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी एफिशिएंसी समझ पा रहे हैं ऑपरेशनल पर क्या हो गई है? कम हो गई गई है है कम तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं डी कर रहे हैं या वहां पर फैमिली सेपरेशन है तो हम क्या कर रहे हैं डी मर्जर कर रहे हैं साथ में वहां पर देख लीजिए कुछ वहां पर आपके पास स्पिन ऑफ किसका केस हो सकता है स्पिन ऑफ स्प्लिट ऑफ और द इक्विटी आउट कि वहां पर कोई प्रॉफिट मेकिंग वहां पर आपका सेगमेंट है उसको हम क्या करना चाहते हैं सेपरेट करना चाहते हैं या कोई लॉस मेकिंग सेगमेंट है तो उसको क्या करना चाहते हैं सेपरेट करना चाहते हैं तो हम दिखाना चाहते हैं कि कौन सा हमारे लिए बिजनेस क्या कर रहा है जो हमारे लिए सबसे वैल्यू क्रिएटिव है तो उसको हम क्या कर रहे हैं एक अलग एंटिटी दिखाना चाहते हैं तो वो आपके पास क्या है दिस इज द केस ऑफ डी मर्जर ठीक है तो हमें क्या ध्यान रखना है बस जो इंपॉर्टेंट चीज है जो वहां पर मेन होल्डिंग कंपनी है उसके नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेंगे सेम बस उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्यों कम हो जाएगी बिकॉज हम नेट एसेट्स क्या कर रहे हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू द अदर एंटिटीज ठीक है तो हम नई वहां पर नई एंटिटी जो बना रहे हैं उसको हम नेट एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहां पर मेरे प्राइस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जो मेन होल्डिंग कंपनी उसका प्राइस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अदरवाइज देख लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे ठीक है तो ये हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो हमने कवर किया था क्वेश्चन ही था बेसिकली और वहां पर ईपीएस एमपीएस पी रेशियो ही निकालना था ठीक है और साथ में हमें बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना था नेटवर्थ क्या करनी थी कैलकुलेट करनी तो दिस इज द केस ऑफ डी मर्जर इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है आपके पास दिस इज योर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ठीक है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं देख लीजिए हम एक रिवाइवल का उसको क्या दे रहे हैं चांस दे रहे हैं एंड द फ्री फ्रॉम ऑल लॉसेस फिक्टिशियस एसेट्स प्रोविजंस देख लीजिए जो हमारी बैलेंस शीट होगी वो अब ऑल जो भी लॉसेस है उससे फ्री होगी हो जो भी प्रोविजंस है उससे फ्री होगी तो हम उनको एक नया चांस दे रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस बिज़नेस को दोबारा से क्या कर सकते हैं रिवाइव कर सकते हैं तो दिस अ केस ऑफ फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और द इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन आपकी बैलेंस शीट में बहुत सारे लॉसेज हैं और उस केस में वहाँ पर बिजनेस को चलाना अब इतना ईजी नहीं है तो अब हम मैनेजमेंट को एक और चांस दे रहे हैं वी आर गिविंग वन मोर चांस टू द मैनेजमेंट टू रिवाइव द

हम इन लॉसेस को क्या कर रहे हैं एसेट साइड से क्या कर रहे हैं राइट ऑफ साथ में यहां पर ओवर वैल्यूड एसेट्स हैं तो उनको भी क्या कर रहे हैं राइट ऑफ कर रहे हैं यहां पर कुछ प्रोविजन है उनको भी क्या कर रहे हैं राइट ऑफ कर रहे हैं और उधर लाइब्रेडी साइड क्या होगा हम अपनी लाइब्रेड को भी क्या करेंगे Reduce करेंगे तो उधर शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके आपके पास पास उधर है तो वो भी अपनी को क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं हैं है, तो वो अपनी को क्या कर रहे कर रहे रहे हैं हैं तो देख लीजिए बैलेंस शीट मैच हो जाएगी अगर बेनिफिट ज्यादा है और वहां पर देख लीजिए ये बेनिफिट है हमारे दिस इज बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग और ये हमारे क्या है देख लीजिए देख लीजिए ये हमारी कॉस्ट है या लॉसेस हैं देख लीजिए तो बेनिफिट ज्यादा है लॉसेस कम है तो उस केस में जो बैलेंस बचेगा वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और अगर नहीं बचा तो बहुत अच्छी बात है सर ठीक है तो यहां पर आपके पास ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी बेनिफिट अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द रिस्ट्रक्चरिंग वो हम लिख लेंगे और साथ में उन बेनिफिट को यूज करेंगे टू राइट ऑफ अवर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस फिक्टिशियस एसेट्स मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ओवर वैल्यूड एसेट्स एंड द प्रोविजन फॉर जो भी डाउटफुल डेप्स है या टेटस है ठीक है तो देख लीजिए आपके पास हमें यहां पर एक पहले स्टेटमेंट बनानी है स्टेटमेंट इज इंपैक्ट इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल और impact में क्या दिखाना है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल और बेनिफिट क्या है रिडक्शन इन लाइबिलिटी और एक और बेनिफिट क्या है रिवेलुएशन ऑफ एसेट तो वहां पर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग बेसिकली उसमें लैंड एंड बिल्डिंग ही आता है और लैंड एंड बिल्डिंग हम रिवैलुएशन कर रहे हैं तो पहले सौ करोड़ का था अब वो पांच सौ करोड़ का है तो हम कितना पे शो करना चाहेंगे 500 करोड़ तो बेसिकली रिस्ट्रक्चिंग का पर्पज ही क्या है टू शो योर एसेट्स एंड लाइविटी एट इट्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू ठीक है तो वहां पर देख लीजिए दिस इज रिडक्शन इन लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट दिस इज योर टोटल बेनिफिट और इस टोटल बेनिफिट को यूटिलाइज करेंगे किसके लिए टू राइट ऑफ देख लीजिए यूटिलाइज टू राइट ऑफ फिफ्टीशियस असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्स एंड ओवर वैल्यूड एसेट्स और उसके बाद वो कहेगा फ्रेश बैलेंस शीट बना दो वो तो हमें आती है ठीक ठीक है 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 तो ये आपके देख लीजिए दिस इज योर फुल ऑफ मर्जर एंड एक एक हमने रिवाइज कर लिया है, उसके अलावा आपके पास क्वेश्चंस हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और जैसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे चैप्टर फिक्स है यहां से 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही रहा है कंफर्म है एक क्वेश्चन तो आप कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से एक क्वेश्चन कम से कम सिक्योरिटी वैल्यूएशन से और टेक्निकली बॉन्ड से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तीन से चार क्वेश्चन आपके पास यहां पर आएंगे आएंगे इस पूरे स्लॉट से सिक्योरिटी वैल्यूएशन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मर्जर एक्वेशन और साथ में अगर मैं बॉन्ड वैल्यूएशन को भी अटैच कर लूं तो कम से कम तीन से चार क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास कम से कम थर्टी प्लस मार्क्स का आएगा और इस बार तो हम बात करें तो दिस इज फोर्टी मार्क्स पूरे फोर्टी मार्क्स का आया है न्यू कोर्स में तो ये आपके पास देख लीजिए पूरा स्लॉट हमने कवर किया है वी हैव सिक्योरिटी वैल्यूएशन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मर्जर एंड एक्विजिशन अगर मैं बताऊं आपको रिवाइज करने में कितना टाइम लगने वाला है अभी हमें रिवाइज करने में अबाउट फोर्टी मिनट्स लगे हैं फोर्टी फोर्टी फाइव ठीक है आपको कितना लगेगा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मैं आपको अभी बता रहा हूँ साथ में हमने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन आधा घंटे में रिवाइज किया तो कितना टाइम लगेगा आपको फिफ्टीन से ट्वेंटी मिनट्स अगेन ठीक है तो कितना हो गया आपके पास फोर्टी फोर्टी फाइव हो गया और उसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन को रिवाइज करने में हमें एक घंटा लगा था ठीक है तो आपको कितना लगने वाला है थर्टी थर्टी फाइव तो इसका मतलब वन एंड हाफ आवर में मतलब आप बहुत आराम से तीनों चैप्टर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं देख लीजिए और विद क्वेश्चन अगर मैं ऐड कर दूं जो इम्पोर्टेंट की लिस्ट है तो आप कम दो ढाई घंटे और लगा लो तो इसका मतलब चार से पाँच घंटे के बीच में आप पूरा यहाँ पर स्लॉट क्या कर सकते हैं रिवाइज़ कर सकते हैं फोर टू फाइव आवर्स ज़्यादा ही बता रहा हूँ कम में ही हो जाएगा चार चार से पाँच घंटे के बीच में आराम से हो जाएगा सर ठीक है तो हम पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं तो पांच घंटे यहां देंगे पाँच से छह घंटे यहां देंगे आप और लगा लो पांच से छह या मैं कहूँगा कि बारह घंटे आपके किस में लगेंगे डेरिवेटिव में प्लस फॉरेक्स में ठीक है एंड डे पे रिवाइज करने में तो कितना हो गया दिस इज़ अबाउट सिक्सटीन सेवनटीन आवर्स और उसके बाद बचा क्या सर उसके बाद बचा क्या आपके पास बॉन्ड वैल्यूएशन आपके पास क्या बचा पोर्टफोलियो ख़त्म सर ठीक है तो ये आपके बाद देख लीजिए मैंने आपको एक वहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो ट्वेंटी थ्री आवर्स की स्ट्रैटी दे रखी है उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए आप आगे के लिए अभी से देख लेना ठीक है तो थोड़ा सा अपने टाइम जो मैंने डेट्स बगाई हैं तो डेट्स को थोड़ा अपने हिसाब से लिख लेना बस ठीक है अदरवाइज़ बिल्कुल सेम बनेगा 20 23 थ्री आवर्स मैंने कहा 23 थ्री आवर्स का मैंने बताया था आप अगर बहुत सही से करते हैं हर हर सब्जेक्ट में आपके पास 20 से 25 घंटे रिवाइज़ करने के लिए और आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आराम से एस की तो मेरी गारंटी आपका रिवाइज़ होगा आपके पास टाइम बचेगा एक दो घंटे का मैं गारंटी आप उसमें अच्छे से थ्योरी एक बार कर पाओगे